Good morning, students. This is Anil K. Sharma and welcome you to my channel Oracle Tech India. और मेरा जो ये लेक्चर है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 7 है. और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एंटिटी डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप क्या है. तो वहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था कि रिलेशनशिप जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं और दूसरे को कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप या फिर कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं. तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फिनिश कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूनेरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप क्या है. इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है या फिर कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले. तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है? तो कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप या फिर कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, ये जो है ये रेफर्स करता है टू द रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन वन डेटाबेस टेबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर टेबल. तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप में सिर्फ आप इतना समझिए कि एक डेटाबेस के अंदर अगर दो टेबल है तो दोनों टेबल के बीच में या दो एंटिटी है तो दोनों एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसा है. वन टू वन का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, मैनी टू वन का रिलेशनशिप है या फिर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वन टू वन का रिलेशनशिप, वन टू मैनी का रिलेशनशिप, मैनी टू वन का रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हम जानेंगे. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन टू वन का रिलेशनशिप. वन टू वन रिलेशनशिप, तो आइए देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है. तो इसमें ए सिंगल रो ऑफ फर्स्ट टेबल एसोसिएट्स विद ए सिंगल रो ऑफ सेकेंड टेबल. तो वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है कि फर्स्ट टेबल का जो सिंगल रो है वो सेकेंड टेबल के सिंगल रो के साथ ही एसोसिएट होगा. मतलब फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल दोनों टेबल में सिंगल सिंगल रो ही एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे. तो कैसे, आइए नीचे के डायग्राम में समझते हैं. तो हमारे पास एक टेबल है पर्सन या एक एंटिटी है पर्सन और दूसरा जो टेबल है पासपोर्ट है, उसको हम एंटिटी भी बोल सकते हैं. तो एक पासपोर्ट एंटिटी है. तो पर्सन नाम का एक टेबल है और पासपोर्ट नाम का एक टेबल है. तो पर्सन नाम के टेबल में मैंने पांच पर्सन्स के नाम डाल दिए, ए बी सी डी और ई. और पासपोर्ट नाम के टेबल में हमने पांच पासपोर्ट के नाम डाल दिए, पी क्यू आर एस टी. ठीक है. तो पर्सन नाम के टेबल में जो फर्स्ट पर्सन है ए, वो पासपोर्ट नाम के टेबल में फर्स्ट पासपोर्ट पी को ही यूज करेगा. यानी कि पर्सन ए यूज करेगा पासपोर्ट पी को, बाकी पर्सन बी सी डी और ई पासपोर्ट पी को यूज नहीं कर सकते हैं. उसी तरीके से पर्सन बी है, पर्सन नाम के टेबल में पर्सन बी है तो वो यूज करेगा पासपोर्ट क्यू को यूज करेगा. तो पर्सन बी जो है वो पासपोर्ट पी को यूज नहीं कर सकता है, वो पासपोर्ट क्यू को ही यूज करेगा. उसके बाद पासपोर्ट आर को यूज नहीं कर सकता है, एस को यूज नहीं कर सकता है और टी को यूज नहीं कर सकता है. तो बेसिकली हम पर्सन टेबल और पासपोर्ट टेबल दोनों में हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि अगर पर्सन के टेबल में एक पर्सन है तो पासपोर्ट नाम के टेबल में एक ही पासपोर्ट उस पर्सन का होगा. पर्सन नाम के टेबल में दूसरा पर्सन है तो पासपोर्ट नाम के टेबल में दूसरा पासपोर्ट
ही उस दूसरे पर्सन का होगा। तीसरा पर्सन नाम के टेबल में तीसरा पर्सन है तो पासपोर्ट नाम के टेबल में तीसरा पासपोर्ट ही उस तीसरे पर्सन का होगा। पर्सन नाम के टेबल में चौथा पर्सन है तो पासपोर्ट नाम के टेबल में चौथा पासपोर्ट जो है वो चौथे पर्सन के लिए ही यूज होगा। और पर्सन नाम के टेबल में पांचवा जो पर्सन है वो पासपोर्ट नाम के टेबल में पांचवा पासपोर्ट ही यूज करेगा। पहला पर्सन दूसरे पासपोर्ट को यूज नहीं कर सकता है, या दूसरा पर्सन पहले पासपोर्ट को यूज नहीं कर सकता है। तीसरा पर्सन जो है पहले या दूसरे या चौथे या पांचवे पासपोर्ट को यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से एक पर्सन एक ही पासपोर्ट को यूज करेगा, दूसरा पर्सन दूसरे पासपोर्ट को ही यूज करेगा। तो इसी को 1-to-1 का रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड पासपोर्ट टेबल इज 1-to-1। ये कह रहा है कि पर्सन और पासपोर्ट टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1-to-1 का रिलेशनशिप है। बिकॉज क्योंकि ए पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट, क्योंकि एक पर्सन के पास केवल एक ही पासपोर्ट हो सकता है। एंड ए पासपोर्ट कैन बी असाइन टू ओनली वन पर्सन, और एक पासपोर्ट को हम केवल एक ही पर्सन को दे सकते हैं, एक ही पर्सन को असाइन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं 1-to-1 का रिलेशनशिप। जब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एक टेबल बनाएंगे, पर्सन नाम का टेबल बनाएंगे, और दूसरा टेबल पासपोर्ट नाम का टेबल बनाएंगे। तो पर्सन नाम के टेबल में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी पर्सन डालने हैं हम डाल सकते हैं। बिल्कुल उसी के रेशियो में पासपोर्ट नाम के टेबल में भी उतने ही पासपोर्ट आएंगे। अगर पर्सन नाम के टेबल में मैंने 10 पर्सन के नाम डाले हैं तो पासपोर्ट नाम के टेबल में 10 पासपोर्ट के नाम आएंगे, और 10 पासपोर्ट 10 पर्सन के लिए यूज होगा। तो एक पर्सन नाम का टेबल होगा जिसमें पर्सन के नाम होंगे, एक पासपोर्ट नाम का टेबल होगा जिसमें सारे पासपोर्ट के नाम होंगे, और दोनों एक कॉमन आईडी के थ्रू प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ पर्सन नाम का टेबल और पासपोर्ट नाम का टेबल आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अब समझते हैं 1-to-many का रिलेशनशिप क्या होता है। तो 1-to-many के रिलेशनशिप में ए सिंगल रो ऑफ फर्स्ट टेबल एसोसिएट्स विद मोर देन वन रोज ऑफ सेकंड टेबल। तो 1-to-many के रिलेशनशिप में क्या होगा कि फर्स्ट टेबल में केवल सिंगल ही रो होंगे और वो एसोसिएट होगा सेकंड टेबल के मोर देन वन रोज के साथ। तो कैसे? तो नीचे के डायग्राम में इसको समझते हैं। तो हमारे पास एक कस्टमर नाम की एंटिटी है, मतलब एक कस्टमर नाम का टेबल है, और दूसरा हमारे पास एक ऑर्डर नाम की एंटिटी है, मतलब एक ऑर्डर नाम का टेबल है। तो कस्टमर नाम के टेबल में लेट सपोज मैंने एक ही कस्टमर का नाम डाला है और उस कस्टमर का नाम है अनिल, और ऑर्डर नाम के टेबल में मैंने 3 ऑर्डर डाल दिए, पिज्जा बर्गर और शाही पनीर। तो कस्टमर जो वन कस्टमर है लेट सपोज अनिल है, तो अनिल नाम का जो सिंगल कस्टमर है वो एक ही ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता है, वो एक से ज़्यादा भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, 2 ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है, 3 ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है, 4 ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कस्टमर एक है बट ऑर्डर जो है वो एक को भी प्लेस कर सकता है, 2 को भी प्लेस कर सकता है, 3 को भी प्लेस कर सकता है, 4 को भी प्लेस कर सकता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो बनता है वो 1-to-many का रिलेशनशिप बनता है। अब मान लीजिए मैंने एक दूसरा कस्टमर और डाल दिया है, तो दूसरा कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है, दूसरा कस्टमर हो सकता है 2 ऑर्डर को भी प्लेस कर दे, तो उसके लिए 2 ऑर्डर वाले उसके लिए 2 ऑर्डर के लिए 2 रोज ऑर्डर नाम के टेबल में और जुड़ जाएंगे, और वो 2 रोज जो है दूसरे कस्टमर से लिंक हो जाएगा। तो इसको 1-to-many के रिलेशनशिप में देखते हैं। तो इसका अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो कैसे होगा, तो एक टेबल बनेगा कस्टमर टेबल, दूसरा टेबल बनेगा ऑर्डर टेबल, और कस्टमर टेबल में मैंने 2 कस्टमर के नाम डाले और ऑर्डर टेबल में हम 6
ऑर्डर भी डाल सकते हैं, सात ऑर्डर भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज छह ऑर्डर डाले मैंने, तो कस्टमर टेबल में दो कस्टमर है, तो एक कस्टमर के लिए तीन ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे और दूसरे कस्टमर के लिए अगेन तीन ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, तो ऑर्डर नाम के टेबल में छह ऑर्डर जो है दो कस्टमर के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो देखते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप में मैनी रोज ऑफ फर्स्ट टेबल एसोसिएट विद ए सिंगल रो ऑफ सेकंड टेबल। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है कि फर्स्ट टेबल में बहुत सारे रोज होते हैं जो सेकंड टेबल के सिंगल रो के साथ एसोसिएट होते हैं। तो कैसे एसोसिएट होते हैं वो देखते हैं। तो नीचे के डायग्राम में हमारे पास दो एंटिटी है, दो टेबल नेम है, एक का नाम है स्टूडेंट टेबल और दूसरे का नाम है कॉलेज टेबल। तो स्टूडेंट टेबल या एंटिटी में लेट सपोज मैंने 50 स्टूडेंट के नाम डाले और कॉलेज टेबल या एंटिटी में मैंने एक कॉलेज का नाम डाला। तो स्टूडेंट टेबल में जो 50 स्टूडेंट है वो कॉलेज टेबल के एक कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है वो हो रहा है कि स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो मैनी स्टूडेंट हो गए, और कॉलेज टेबल में एक जो है कॉलेज है तो उसको वन कॉलेज बोलेंगे। तो रिलेशनशिप जो है मैनी टू वन का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज इज मैनी टू वन। तो स्टूडेंट और कॉलेज का जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, बिकॉज एक कॉलेज कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। एक कॉलेज के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं बट ए स्टूडेंट कैन ओनली स्टडी इन सिंगल कॉलेज एट ए टाइम, बट एक स्टूडेंट एक टाइम में केवल एक ही कॉलेज में स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉलेज एक ही होंगे बट स्टूडेंट सिंगल भी हो सकता है और स्टूडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को जो है यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल है और यहाँ पे कॉलेज सिंगल है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है वो मैनी टू वन का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। अगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एक टेबल तो स्टूडेंट का बनेगा और दूसरा टेबल कॉलेज का बनेगा। तो स्टूडेंट वाले टेबल में जो है लेट सपोज 50 स्टूडेंट है और कॉलेज वाले टेबल में एक कॉलेज का नाम है, तो 50 स्टूडेंट को एक कॉलेज के साथ हम लिंक करके दिखा सकते हैं। और स्टूडेंट टेबल में मान लीजिए एक और 50 स्टूडेंट मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो कॉलेज टेबल में एक और कॉलेज का नाम डाल करके नेक्स्ट 50 स्टूडेंट को उस दूसरे वाले कॉलेज के साथ लिंक करके दिखा सकते हैं। तो आप समझते हैं मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्या है। तो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में मैनी रोज ऑफ फर्स्ट टेबल एसोसिएट विद मैनी रोज ऑफ सेकंड टेबल। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टेबल में बहुत सारे रोज होते हैं और सेकंड टेबल में भी बहुत सारे रोज होते हैं और इन दोनों का आपस में फिर एसोसिएशन होता है। तो कैसे, तो नीचे के डायग्राम में अगेन वी हैव टू एंटिटीज और टू टेबल्स नेम। तो हमारे पास दो टेबल नेम है, एक का नाम है स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट एंटिटी और दूसरे का नाम है कोर्स टेबल या कोर्स एंटिटी। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट भी बहुत सारे होंगे और कोर्स टेबल में कोर्स के नेम भी बहुत सारे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट टेबल में एक स्टूडेंट कोर्स टेबल में बहुत सारे कोर्सेज को चूज कर सकता है और कोर्स टेबल में एक कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं।
तो ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है इसको मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल इज मैनी टू मैनी। तो स्टूडेंट और कोर्स टेबल का जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, बिकॉज ए स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्स, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेस ले सकता है एक टाइम पर, एंड ए कोर्स कैन बी असाइन टू मैनी स्टूडेंट्स, और एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। अब अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखें तो एक टेबल तो स्टूडेंट का बनेगा, दूसरा टेबल कोर्स का बनेगा। अब प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल आपस में जुड़ जाएंगे, और स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट है तो उन स्टूडेंट को कोर्स टेबल में कोर्स के साथ जो है हम लिंक कर सकते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, और जो है बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।